तो हेलो व्यूअर्स, आपका एक बार और स्वागत है आरआर फिल्मी एपिसोड नंबर 3 में। देखिए, इससे पहले हमने 2 एपिसोड बनाए थे जिसके अंदर बहुत ही बेहतरीन फिल्मों को बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस किया था, और इस एपिसोड में भी आने वाली बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही पावरफुल मूवीज के बारे में हम अपडेट देने वाले हैं। इसीलिए वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहना, क्योंकि इस लिस्ट के अंदर बहुत ही बेहतरीन फिल्मों के बारे में आपको जानने को मिलने वाला है। तो बिल्कुल भी वक्त जाया ना करते हुए इस एपिसोड को शुरू करते हैं। तो इस एपिसोड में सबसे पहले और टॉप नंबर पे जो न्यूज आती है वो आती है शाहरुख खान की अपकमिंग फिल्म यानी कि जवान को लेकर। हाल ही में आपने देखा रहेगा कि सोशल मीडिया पर चारों तरफ ये बवाल मिट चुका है, ये बवाल उछल चुका है कि शाहरुख खान की जवान फिल्म का जो टीजर है वो ना लीक हो चुका है। यानी कि कुछ वीडियोस, कुछ फोटोज, लगभग 2 से 3 सेकंड के ही फोटोज के तौर पे वीडियोस लीक किए गए हैं, जिसे देखने के बाद लोगों के बीच के अंदर जिस तरह की तबाही और हाइप क्रिएट हो गई वो काबिले तारीफ है। इस हाइप और इस 2 सेकंड के टीजर को देखने के बाद ये कहा जा सकता है कि एक्चुअल में शाहरुख खान की जो फैन फॉलोइंग है वो काफी नेक्स्ट लेवल की है। तो आप इस छोटे से लीक वाले पॉइंट्स को देखकर बता सकते हैं कि हाँ, जो एक्चुअल में जो जवान फिल्म आने वाली है एटली कुमार के डायरेक्शन में, ये फिल्म डेफिनेटली बॉक्स ऑफिस पर कई रिकॉर्ड कायम कर सकती है। वैसे भी इस मूवी के अंदर पावरफुल विलन यानी कि विजय सेतुपति भी अपोजिट रोल में देखने को मिलने वाले, और साथ ही साथ यहाँ पे 2 बहुत बड़े सुपरस्टार यानी कि एक विजय थलापति और दूसरे शिवा राजकुमार का कैमियो भी देखने को मिलने वाला है। तो सबसे पहले तो इस फिल्म की जो कास्ट है वही बहुत ज्यादा पावरफुल है, और इसके ऊपर प्लस हो जाता है एटली कुमार का डायरेक्शन जो कि काबिले तारीफ होता ही है। तो ये मूवी जब भी बॉक्स ऑफिस पर आएगी एकदम तूफान क्रिएट ही करने वाली है। थोड़े से टीजर के बारे में और डिस्कस करें तो देखिए, ये टीजर एक पहले से ही एडिटेड टीजर लग रहा है। इस टीजर को ना ही कहीं से चुराया गया है, ना ही कहीं से लिया गया है। ये ऐसा लग रहा है कि फिल्म के ही मेकर्स की तरफ से, फिल्म के अंदर में ही जो मेकिंग काम करते हैं वहां से ही इस फिल्म के एक छोटे से हिस्से को या फिर एडिटेड पार्ट को ही यहाँ पे लीक किया गया है। हो सकता है ये लीक जानबूझ के किया गया कि लोगों के बीच में थोड़ी हाइप क्रिएट हो सके। वेल, टीजर के अंदर जो SRK का लुक देखने को मिल रहा है वो बहुत ज्यादा ही डेडली दिख रहा है। जिस तरह से हमने टीजर में देखा था ठीक उसी तरह से बहुत ही शानदार दिख रहा है, और जो इस टीजर के अंदर एक्शन लेवल करते हुए दिखाई दे रहे वो यहाँ तक तय कर देता है कि हाँ, मूवी के अंदर थिएटर के अंदर इस सीन को क्रिएट किया जाएगा जिस तरह से, वो बहुत मजेदार होने वाला है। तो आपकी क्या राय है इस लीक टीजर को लेकर कमेंट करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। यहाँ पे अगली अपडेट निकल के आती है आरसीन 15 को लेकर, यानी कि रामतरण तेजा की अपकमिंग फिल्म यानी कि आरसीन 15 का जो ऑफिशियल टीजर है या फिर कहें इस फिल्म का जो टाइटल अनाउंसमेंट है वो रामचरण के हैप्पी वाले बर्थडे पे यानी कि इसी महीने के 27 मार्च को ये ऑफिशियल टीजर या टाइटल अनाउंसमेंट देखने को मिल जाएगा। ये फिल्म के डायरेक्टर यानी कि दिल राजू की तरफ ऑफिशियली कंफर्म कर दिया गया है, कि साथ ही साथ ये भी बोल दिया गया उन्होंने कि ये जो टाइटल होने वाला है एक यूनिवर्सली टाइटल हो सकता है, यानी कि एक पैन इंडिया को टारगेट करके ही टाइटल रखा जा सकता है। जैसे हाल ही में विजय थालापति की अपकमिंग फिल्म यानी कि लियो का जिस तरह से टाइटल अनाउंसमेंट देखने को मिला, शायद RC15 का भी ऐसा ही बेहतरीन और एक पैन इंडिया वाला टाइटल देखने को मिलने वाला है। अब बात करें नेक्स्ट अपडेट के बारे में, तो देखिए नेक्स्ट अपडेट भी रामचरण तेजा से ही आ रही है निकल के, जहां पे उनका कहना था, उनसे हाल ही में कुछ सवाल और जवाब देखने को मिले और उनकी तरफ से कुछ बहुत ही बेहतरीन न्यूज़ देखने को मिली कि अब जाके फाइनली रामचरण तेजा हॉलीवुड में अपना डेब्यू करने वाले। तो कहीं ना कहीं ये इंडियन सिनेमा के लिए एक अच्छी बात है, और रामचरण तेजा जैसा एक्टर डिजर्व भी करता है। और साथ ही साथ रामचरण तेजा ने ये भी कह दिया कि हाँ, जो इसकी अपडेट है हॉलीवुड डेब्यू की वो जल्द ही आने वाले कुछ मंथ्स के अंदर ही देखने को मिल जाएगी, यानी कि बहुत जल्द हमें रामचरण नेक्स्ट एक हॉलीवुड फिल्म के अंदर मेन कैरेक्टर लीड प्ले करते हुए दिखाई देने वाले। आपका क्या ओपिनियन है इस चीज को लेकर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। नेक्स्ट अपडेट निकल के आती है फिल्म विदु थलाई के ऑफिशियल ट्रेलर को लेकर। अब देखिए, इस फिल्म का जो ट्रेलर है वो देखने को मिल गया। अब ट्रेलर सिर्फ और सिर्फ तमिल भाषा में ही आया है। इससे पहले कहा जा रहा था कि ये फिल्म पैन इंडिया स्केल पर रिलीज हो सकती है, बट कहीं पे भी ट्रेलर के अंदर या पोस्टर्स के अंदर हमें ये मेंशन किया गया नहीं है कि ये फिल्म साथ ही साथ हिंदी में आएगी। तो ये तो आने वाले वक्त में मालूम पड़ेगा कि आखिर ये फिल्म हिंदी में आती है या फिर नहीं। वेल, बात करें इस ट्रेलर के बारे में, तो सच में इस ट्रेलर को देखने के बाद जो ओवरऑल ओपिनियन, ऐसा लगता है कि फिल्म के मेकर्स ने बिल्कुल फिल्म को एक रियलिस्टिक मेकिंग के तौर पे एक हार्ड हिटिंग फिल्म ही बनाने की कोशिश की है। मूवी के अंदर जो मेन कैरेक्टर यानी कि सूरी का जो वर्क देखने को मिला, जो परफॉर्मेंस देखने को मिली, वो काबिले तारीफ देखने को मिली है। साथ ही साथ ट्रेलर के अंदर हमें विजय सेतुपति का जो कैरेक्टर देखने को मिल रहा है वो
भी काफी शानदार है। जैसे कि हर फिल्मों में उनकी परफॉर्मेंस शानदार होती है, ठीक उसी तरह से इस मूवी के अंदर भी उनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही शानदार दिखाई दे रहा है। ट्रेलर को जिस तरह से काटा है, ट्रेलर को जिस तरह से बनाया है, कहीं ना कहीं ये साबित कर देता है कि फिल्म के मेकर्स इस फिल्म को लेकर कितना ज्यादा सीरियस हैं। ट्रेलर के अंदर हमें हर छोटी और बड़ी जो भी डिटेल्स देखने को मिलती है वो बहुत ज्यादा बारीकी से काम किया गया है, यानी कि फिल्म के मेकर्स ने कोई भी गलती ऑडियंस के लिए छोड़ी नहीं है। तो ट्रेलर काफी मुझे ओवरऑल प्रमोशनिंग लगा है, बहुत ज्यादा ही मुझे अट्रैक्ट किया है। कहीं ना कहीं जो सूरी इसका मेन कैरेक्टर है यानी कि जो हीरो है, उनके लिए ये रोल काफी चैलेंजेबल था। देखिए सूरी जो आपने बहुत सारी फिल्मों के अंदर देखा रहेगा साउथ की, कि उनका जो मेन कैरेक्टर होता है वो ज्यादा करके कॉमेडियन के तौर पे ही होता है, तो यहाँ पे उन्हें कुछ कर दिखाने का मौका मिला है, ये बड़ी अच्छी बात है। किसी कॉमेडियन एक्टर को ऐसे रोल अप्रोच नहीं किए जाते हैं, और इस रोल का जो लाभ है वो पूरी तरह से सूरी ने परफेक्टली निभाया है, उठाया है। कहीं ना कहीं सूरी भी अपना एक क्रेज, अपना एक दबदबा लोगों के बीच में बना सकते हैं। तो वेल, आपने अगर विद्युत हलाई का ट्रेलर नहीं देखा है तो जाइए यार यूट्यूब पर देखिए, जो ट्रेलर है वो कितना ज्यादा हार्ड को। इस ट्रेलर के अंदर एक सीन है जहाँ पे सूरी वाला कैरेक्टर यहाँ पे एक छत से गिरता है, जो यार उस कैरेक्टर को देखने के बाद जो रोंगटे खड़े होते हैं वो सच में रोंगटे खड़े हो गए यार, क्या बोलूँ। कैरेक्टर गिरने के जो तरीके हैं, बैलेंसिंग है, बिल्कुल एकदम रियल, ऐसा लग ही नहीं रहा है कि आप उस चीज़ को किसी नकली वाले जगह या ऐसे चीज़ों पे शूट कर रहे हैं, या कि ऐसा लग ही नहीं रहा है, यानी कि जानबूझकर उस सीन को क्रिएट नहीं किया गया, ऐसा लग रहा है कि वो अचानक से हो रहा है यार, बहुत ज़्यादा ही डेडली देखने को सीन मिला। नेक्स्ट अपडेट निकल के आती है एक और पैन इंडिया आने वाली फिल्म यानी कि कब्जा को लेकर। देखिए कब्जा का जो ऑफिशियल ट्रेलर है वो हिंदी के साथ साथ बाकी सब पैन इंडिया भाषाओं में आ चुका है, तो ट्रेलर को देखने के बाद जितने भी रिव्यू आए वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव नहीं थे, ना ही ज़्यादा नेगेटिव थे, एक मिक्स रिव्यू देखने को मिल गया। वहीं कब्जा फिल्म रिलीज होने से पहले ये तय कर दिया गया था कि कब्जा जो है दो पार्ट्स में आने वाली है, यानी कि कब्जा पार्ट वन और कब्जा पार्ट टू। अब फिल्म के मेकर्स की तरफ से, डायरेक्टर की तरफ से ये कंफर्म हो गया है कि कब्जा पार्ट वन के अंदर जो किच्चा सुदीप का रोल है वो रोल एक गेस्ट अपीयरेंस होने वाला है। जी हाँ, किच्चा सुदीप इस मूवी के अंदर एक बहुत ही स्मॉल रोल के अंदर, बहुत ही छोटे रोल के अंदर हमें देखने को मिलने वाले। तो साथ ही साथ डायरेक्टर ने ये भी कहा है कि हाँ किच्चा सुदीप का रोल छोटा है बट ना बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। फिल्म कब्जा का जो सेकेंड पार्ट आने वाला है उसके अंदर किच्चा सुदीप का जो रोल होगा वो मेन हो जाएगा, यानी कि किच्चा सुदीप इसके अंदर गेस्ट अपीयरेंस करेंगे और पार्ट टू के अंदर कहानी इनके ऊपर ही घूमेगी। तो जितने लोग भी किच्चा सुदीप की वजह से इस फिल्म को देखने के लिए उत्साहित थे, तो शायद मेकर्स ने अच्छा काम किया कि हाँ बता दिया लोगों को कि हाँ भाई किच्चा सुदीप का ये कैरेक्टर होने वाला है। वैसे भी फिल्म के मेकर्स इस फिल्म को हिंदी भाषा के अंदर, सिर्फ हिंदी स्क्रीन के अंदर, लगभग 1200 स्क्रीन के अंदर रिलीज करने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखना काफी दिलचस्प रहेगा कि ये फिल्म आने वाले समय में हिंदी बॉक्स ऑफिस पर क्या परफॉर्म करती है। यहाँ पे नेक्स्ट अपडेट निकल के आती है सबसे बड़ी फिल्म यानी कि पुष्पा पार्ट टू को लेकर। यार इस फिल्म का जो रेटिंग है वो कहीं ना कहीं हिंदुस्तान की हर ऑडियंस कर ही रही है। मूवी का जो क्रेज है पहले से ही इतना ज्यादा लेवल हाई है कि बता नहीं सकते। तो डेफिनेटली ये फिल्म जब भी आएगी, इसका चाहे प्री रिलीज बिजनेस हो, चाहे ओटीटी राइट्स हो, चाहे इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हो, सभी कमाल के देखने को मिलने वाले। हाल ही में पुष्पा पार्ट टू को लेकर एक सामने आई थी न्यूज की इस मूवी के अंदर एक हमें एक और एक्ट्रेस यानी कि साई पल्लवी का कैरेक्टर देखने को मिलने वाला है, जहां पे तमिल मीडिया की तरफ से यह कहा जा रहा है कि हाँ साई पल्लवी ने पुष्पा पार्ट टू के शूटिंग को ज्वाइन भी कर लिया है, जहां पे तेलुगु मीडिया की तरफ से कहा जा रहा है कि नहीं नहीं अभी ये कंफर्मेशन नहीं है, यहां पे साई पल्लवी शायद हमें पुष्पा पार्ट टू में नहीं देखने को मिलने वाली है। तो मेरा ओवरऑल मेरे तरफ से ये ओपिनियन है कि भाई मैं यहां पे तेलुगु मीडिया की तरफ से जाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मूवी के अंदर साई पल्लवी का कैरेक्टर ना के बराबर ही देखने को मिलने वाला है, क्योंकि साई पल्लवी उन चुनिंदा एक्टरों में से एक है जो एक छोटे से रोल के लिए कभी राजी नहीं हो सकती। यहीं इसी फिल्म से एक और बड़ी अपडेट निकल के आ रही कि जहां पे पूरी तरह से बवाल मचा हुआ है कि इस फिल्म का जो प्री रिलीज बिजनेस हो वो 1000 करोड़ का होने वाला है। तो यार इस न्यूज को भी लेकर पूरी तरह से मैं फेक न्यूज ही बताऊंगा, क्योंकि कहीं भी अभी तक चाहे फिल्म के मेकर्स हो, डायरेक्टर हो, एक्टर हो, राइटर हो, किसी भी कहीं से भी किसी ने भी इस फिल्म को इस चीज के लेके अपडेट नहीं दी है। तो कहीं ना कहीं जो ये न्यूज है पूरी
तरह से अफवाह है। हाँ, ये मानता हूँ कि जब भी पुष्पा पार्ट टू आने वाली रहेगी तो इसका प्री रिलीज बिजनेस शानदार तो होगा ही होगा, बट अभी फिलहाल के लिए ऐसी कोई भी अपडेट नहीं आई है सामने। तो बस आज का एपिसोड यहाँ पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को ऑन कर दे, ताकि मेरी कोई भी वीडियो आपको जल्द से जल्द मिलती रहे। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।